आज मैं अपने जोनी सर के यहाँ मतलब मेरा सातवां दिन पड़ गया ट्रेनिंग, और आज मैं आठवें दिन ये अपना बैच खुद भी लगाने के लिए आज मैं सर ने मेरे को बोला बैच आप अपने को लगाओ कि सामने वाले को भी लगना चाहिए, जब आप अपने प्रॉपर लगा रहे हो तो सामने वाले को भी प्रॉपर लगा सकते हो। तो आज मैंने ये मैंने पट्टी लगाया, पट्टी लगाने के बाद बैच को मैं धीरे धीरे करके फ्रंट साइड ये बैक साइड ये अभी आप यहाँ पे रखेंगे अपने फोरहेड पे और लगाएंगे आराम से ऊपर देख लो इधर से आईडी में जय कुमार गुप्ता बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ डीजे जोनी सर उल्लास नगर मेरा ट्रेनिंग का सातवां दिन है और मेरा ओपनिंग 8 फरवरी को होगा। आज मैं जिस तरह मैंने अभी न्यू पैच लगाया है, मैंने अभी कटिंग भी नहीं किया है, सर ने बोला टेप लगाओ अपने से आप आज पैच लगाओ, लोगों को लगना चाहिए कि आप पैच लगा पा रहे हो बोला किसी ने प्रॉपर्टी मतलब मैंने सिर्फ पैच का मतलब एक सिंपल मैंने अपने सर पर रखा और मैंने इसको मतलब जिस तरह सर बोले वो हिसाब से जो ट्रेनिंग में सर ने सिखाया उस हिसाब से मैंने सेट किया राउंड। तो जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने कुछ भी कटिंग नहीं किया है, खाली बस हेयर पैच को ऊपर रखा है और इसको थोड़ा सा अपने हाथों से सेट किया है, सेट कर रहा है सेट किया है देख आपको मतलब प्रॉपरली। अभी तो इसको मतलब जो जिसको जो सेटिंग चाहिए वो हुआ नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ पैच को रख के हो गया। Remix, Johnny, exclusive. Remix. Johnny. मैंने एक अभी ये न्यू पैच में लगाया हूँ और मेरा 8 दिन ट्रेनिंग का हुआ। आज डीजे जोनी सर ने भी जो डीजे जोनी सर ने जो प्रॉपर काम किया है, एक लुक दिया मेरे को अलग से, मतलब ऐसा लुक मतलब जो स्टार लोग रहते हैं बड़े बड़े लोग वो लोग ऐसा करके मतलब अपना प्रदर्शनी दिखाते हैं, जो मतलब वो लोग का एक इमेज ही ऐसा ही बनता है। वो डीजे जोनी सर ने मुझे मतलब ऐसा लुक दिया कि लोगों को लगे कि यंग का यंग
ओल्ड लुक भी और या आने वाली पीढ़ी का जो लुक है वो लुक इन्होंने बना के मुझे दिया। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। इनका एक काम जो है कई प्रकार से किया जाता है, इनके अंदर कूट कूट के भगवान ने अंदाज बढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ खाली पैच लगाना है, नॉर्मल बाल झाड़ देना है, हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो पैच का स्टाइल, जो प्रॉपर रियल बाल होते हैं वैसा स्टाइल बना के दिए। और मुझे मतलब पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि लुक ये मुझे ऐसा मिलेगा, लेकिन उन्होंने लुक मुझे ऐसा करके दिया, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो आप जल्द से जल्द डीजे जो सर से संपर्क करिए और इनसे मतलब जितना संपर्क में रहेंगे उतना इनका आप वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको लगेगा कि इनका वीडियो पहले बात आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर डिसाइड ले लेंगे कि हाँ मुझे पैच डीजे जोनी सर के यहाँ ही लगाना चाहिए। क्योंकि इनका देखिए मैं पैच जिन्होंने जो लुक दिया मेरे को प्रॉपरली, ऐसा लुक देने के लिए बड़े स्टार लोग तरसते हैं कि हाँ ऐसा लुक मुझे दे, लेकिन लोग दे नहीं पाते। लेकिन अपने डीजे जोनी सर ने ऐसा लुक दिया है, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू अजय गुप्ता। मैं कहना चाहूँगा कि जो हेयर पैच अजय गुप्ता ने पहले लगाया था उसको स्टाइलिंग किया था मैंने अपने आप, उसके बाद उसको मैंने अपना टच किया और टच आने के बाद में जो स्टाफ्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब मैंने प्रयोग किए थे। और आगे भी हम लोग ऐसे ही कुछ करते रहेंगे। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल बिग डे आर सॉल्यूशन। मैं हूँ आपका होस्ट DJ Johnny Bank.